के जो लीडरान हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको ही परमिंदर जी ने बुलाया है, उनको ही यहाँ पर याद किया गया है। और पूरी तरह से सामाजिक हमारे विषय वस्तु यह है कि जो अधिकार मिला है पिछड़ों को, दलितों को, वो समाप्त हो रहा और इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने निजीकरण का रास्ता तो खोला, लेकिन मंडल कमीशन कैसे लागू हो, उस मंडल कमीशन में मैं यह भी बता दूं, लगभग 85% मुस्लिम भी शामिल है। अगर आज IIT में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ISIPS में मुस्लिम समाज की कुछ संख्या बढ़ी है, तो यह श्रेय जाता है पूर्व प्रधानमंत्री BP सिंह जी को, जिन्होंने मंडल कमीशन का दिया। अगर आरक्षण समाप्त होता है तो मुस्लिम भी प्रभावित होंगे, OBC भी प्रभावित होंगे, SC ST तो प्रभावित होंगे। सिरोकार अपनी लड़ाई तो लड़ता है, सिरो ट्राइब भी नहीं लड़ता, मुस्लिम भी नहीं लड़ता और पिछड़ा भी नहीं लड़ता। आज एक बड़े नेता असत प्रकाश यादव जी, जो यादव महासभा के हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। कहा मैं बड़ा व्यस्त रहता हूँ। कहा किस मामले में व्यस्त रहते हैं? कहा हमारे यादव महासभा की सभाएं और बैठकें होती। हमने कहा भाई, जाति के आधार पर हजारों वर्ष से पंचायत बैठक शादी होती ही रही है, आगे भी होती रही, और जिसके वजह से आपकी कुछ भागीदारी बढ़ी है उसका भी ध्यान दो। 2006 में ये पवन जी हैं सामने बैठे हुए, डॉक्टर इंदिरा ज्योति जी हैं हमारे साथी हैं, बहुत सारे लोग 2006 में मेरे ही नेतृत्व में उच्च शिक्षा में जो पिछड़ों को आरक्षण मिला था तो लड़ाई लड़ी गई थी। कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए मुझे OBC नेता कहने लगे थे, क्योंकि OBC के अंदर राजनीतिक चेतना है। राजनीतिक चेतना इसलिए है, अगर मैं राजनीति में हूँ या कोई इसमें राजनीति है तो उसका व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ न कुछ रहता है, लेकिन सामाजिक आंदोलन में व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहता, अपने को जलाना पड़ता है, तपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है, मिलता कुछ नहीं है, मिलता है तो पूरे समाज को मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आरक्षण की लड़ाई लड़ी उसका फायदा सभी को मिला, और जो ये सामाजिक आंदोलन चला था मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, काशीराम जी के नेतृत्व में 28 दिन तक संसद का घेराव हुआ था, एक इस मुद्दे के अंदर जान आ गई, और जब देवीलाल जी BP सिंह जी की सरकार छोड़ के चले गए तो BP सिंह जी को सुझाव दिया, शरद यादव जी थे, पासवान जी थे और सारे लोग, मंडल कमीशन लागू करो, जो कमी है समर्थन घटा है उससे बराबर हो जाए। BP सिंह जी का विशाल हृदय था, उन्होंने आरक्षण लागू किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर दलितों का कोई आरक्षण बचा है, SC ST का, तो हमारे परिसंघ के द्वारा बचा है। ये इसलिए जब 5 आरक्षण विरोधी आदेश 97 में जारी हुआ तो हमने परिसंघ बनाया था SC ST।
तब जाके 3 संवैधानिक संशोधन करा करके आरक्षण बचाया। अब हमें DOM बनाया, DOM की टोपी खत्म हो गई है, तो इसलिए परिसंघ, परिसंघ उसमें भी है। परिसंघ का मतलब होता है कि संगठनों का संगठन। तो और आरक्षण बचाना ओबीसी का भी है और मुस्लिम का भी है और दलित का भी है। तो केवल DOM, केवल DOM नहीं लिखा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक टॉपिक, इसलिए किसका संकेत है, आरक्षण बचाने के लिए 4-5 लाख बैकलॉग पड़ा हुआ है केंद्र सरकार। मैं संसद भवन में, चाहे अखिलेश यादव मिल जाए, चाहे धर्मेंद्र यादव मिल जाए, कोई बैकवर्ड आदमी मिल जाए, मुस्लिम भी हो जाए, तो मैं कहता भैया आप लड़ते क्यों नहीं? 27% का आपका आरक्षण मिला, आप 8-10% तक नहीं पहुंच पाए, उसके पहले बंद किया जा रहा है आरक्षण। तो कोई असर ही नहीं पड़ता। जब मुलायम सिंह जी पहले मुख्यमंत्री बने, तब प्राइवेट सेक्रेटरी, OSD सेक्रेटरी बनाने के लिए कोई गुजर यादव बैकवर्ड का नहीं मिला। मंडल कमीशन जब बना और दोबारा जब तिवारा चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह जी बने, तो यादव रखने लगे, प्राइवेट सेक्रेटरी DM बनने लगे, सत्री बनने लगे। क्यों? आरक्षण की वजह से। लेकिन अब यह आरक्षण समाप्त हो रहा है। नरसिम्हा राव जी की जो शुरुआत करी गई नीति है, जो शुरुआत करने वाले करी गई नीति है कि निजीकरण, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी, तो सरकार के अंदर काम बढ़ रहा है लेकिन ठेकेदारी पर, तो किसका घाटा हो रहा है? एक मुस्लिम का, एक ओबीसी का, एक दलित का घाटा हो रहा है। क्योंकि सामाजिक आंदोलन में प्रधान बनने का, ब्लॉक प्रमुख बनने का, MP या MLA मंत्री बनने का चांस नहीं होता है, इसलिए लोग आते नहीं लड़ाई लड़ने। यही कारण है ये सब खात्मा होता चला जा रहा है। अगर आज 310 यूनिवर्सिटी सरकार की हैं, तो 400 से ज्यादा यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में हैं। वहां पूर्वी का बेटा, लोधी का बेटा, दलित का बेटा प्रोफेसर और टीचर नहीं बन पाएगा, स्टाफ नहीं हो पाएगा, एडमिशन नहीं ले पाएगा। आज 5,000-6,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, सरकार के 300-400 होंगे बाकी प्राइवेट सेक्टर में। इसी तरीका से MBA में है, लेकिन सामाजिक चेतना नहीं है। तो कुछ जातियां हैं दलितों में, अब OBC में वो राजनीतिक लड़ाई तो लड़ती है, सत्ता की लड़ाई तो लड़ती है, और सत्ता की लड़ाई व्यक्तिगत ज्यादा होती है। सामाजिक लड़ाई में अपने को हवन करना, अपना हवन करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है। फायदा आपके औलाद को न मिले तो आपके रिश्तेदार को मिलेगा, बिरादरी को मिलेगा, समाज को मिलेगा। इसलिए ये लड़ाई आगे नहीं जा पाती। तो जो वर्तमान माहौल है, सबके ऊपर बराबर हमला हो रहा है, इसलिए हमने सोचा आरक्षण के अलावा भागीदारी, ये सारे विषय हैं हमारे, कि एक विषय पर हम इकट्ठा हों। जैसे जैसे जागृति हो रही है, बंटवारा बढ़ता जा रहा है, SC ST OB सब में संगठन बनते जा रहे हैं, संगठन बनते जा रहे हैं। 4 आदमी संगठन बना के खड़ा हो जाता, 5 आदमी खड़ा हो जाता। नीरज चक जी आप आए, नीरज जी के सम्मान में जोरदार ताली कर बड़ा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से खड़ा करें। हमारे
अभी परिषद के प्रदेश महासचिव हो, तो मैं आपसे यह कह रहा कि एक तीनों मिले, एक कोऑर्डिनेशन, आपका जो भी संगठन है उसका अस्तित्व के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, और एक कोऑर्डिनेशन हो। हमारे सुदेश यादव जी मेरे, ये समाज, ये तो मतलब समाज का बड़ा दर्द है। एक बात इनकी अभी याद आती है कि भाई साहब, इन्होंने कहा भाई साहब 50 लाख लोगों को उतारा जाए दिल्ली में, मुझे बड़ी खुशी हुई। तभी जाकर के हुकूमतें हिले कि हमारी भागीदारी चाहिए। तो इसलिए आपका संगठन जहां है जस का तस रहेगा। ये परिसंघ संगठनों का संगठन है। परिसंघ का मतलब होता संगठनों का संगठन। तो अगर 2 महीने में भी 10-20 हजार संगठन इकट्ठा हो जाए और सबका अपना अस्तित्व बचा भी रहेगा, किसी भी हुकूमत को हिलाया जा सकता है। और इस प्रयोग को मैंने 20 साल किया, वो सफल रहा। 97 में हमने परिसंघ बनाया सीएसटी वाला, 20 साल तक सफल रहा। आज किसी को मुश्किल होती है रामलीला मैदान भरना, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। हमारा चंद लड़ाई, अब इसका यह प्रयोग एससी एसटी में ना होकर के ओबीसी में और आदिवासी में भी होना चाहिए। हमारे साथी परमिंदर, ये सारा परमिंदर का काम हुआ, किया हुआ। मैं कुछी बाबूलाल और उसके सहयोगी, मैं कुछी लाल कुछी थोड़ा बहुत लोगों को बोला, एसपी वर्मा जी ने कुछ किया, हुसैन भाई जी को बाद में हमने शामिल किया। तो शुरुआत वहां से हुई इनकी। तो जो 20 साल का प्रयोग असफल रहा, और कोई जाति आधार हमने नहीं रखा, दलित पार्टी हो, दलित संगठन हो, वो जाति आधार पर चलते हैं, ओबीसी भी हो तो जाति आधार पर चलते हैं। लेकिन परिसंघ को हमने जाति आधार पर नहीं चलाया और सफल रहा सबको लेकर के चल, लेकर के चलने का। उसी तरीके से हम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को लेकर के चलेंगे और ये सफल होगा। और जो आपने कहा था कि 50 लाख लोग उतारना है, तो हमारे लिए मुश्किल अब होने वाला नहीं है, उसका ये पहला कार्य है। न कोई दिन की बात होगी, न कोई यहाँ पर राजनीति की बात होगी। राजनीति की बात कतई नहीं होगी, कतई नहीं होगी, न किसी के ऊपर छींटा कछी होगी, और न कोई दीन की बात होगी। अधिकार की बात होगी, एकता की बात होगी। शिक्षा में आपके आरक्षण का कबाड़ा होता जा रहा है, नौकरी में आरक्षण का कबाड़ा होता जा रहा है। जो ओबीसी को 10 साल मात्र पहले मिला था शिक्षा में आरक्षण, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट में यूनिवर्सिटी खड़ा कर दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा कर दिया, मेडिकल कॉलेज खड़ा कर दिया, एमबीए खड़ा कर दिया, उसका मायने खत्म होता जाए। तो आईआईटी में कभी कभी जब रिजल्ट आता तो लगता है 40% ओबीसी आ गए, पहले आईआईटी में आते नहीं थे। ये केवल और केवल और केवल मंडल कमीशन की वजह से ओबीसी वहां आईआईटी में आते हैं। इस मंडल की रक्षा करना, उस मंडल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहाँ है लोग? कोई लोल समाज बनाया, कोई यादव बनाया, कोई गुजर बनाया, कोई सेन बनाया, कोई प्रजापति बनाया, बना के रखो, लेकिन ये आपका अधिकार कहाँ? जातियां तो पहले भी रही हैं, आज भी है और कल भी रही, और जातियों को पंचायत करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जाति के पंचायत से क्या अधिकार मिलता है? हजारों वर्ष से दलित की जातियां यहाँ थी, पंचायतें खूब होती थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़कर के जो आरक्षण दिलाया 1932 में, उस अधिकार की वजह से आगे आई, न कि पंचायत की वजह से आगे आई, शादी विवाह की वजह से आगे नहीं आई। मैं इसलिए शुरुआत में बोल देना चाहता हूँ कि कोई मैंने हैंडबिल नहीं लिख पाया,
ये संगठन बिल्कुल ताजा है, लेकिन इसका इसके ऊपर परमेंद्र काम कर रहे थे, उनकी एक टीम काम कर रही है। आज ये टीम बहुत बड़ी हो जाएगी और इसके बारे में पहले आपको चर्चा भी नहीं हुई है, इसलिए मैं भूमिका बता रहा कि यह हमारा उद्देश्य है। आगे सम्मेलन होगा तो शायद मुझे अंत में बोलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तब तक आपको पता लग गया होगा, पता लग जाएगा कि इस संगठन का क्या मकसद है। इसलिए काफी लोगों को विस्तार में न पता होगा, तो भूमिका के रूप में एक पृष्ठभूमि अभी तक हमने रखा है। और एक बात और बता, अगर राष्ट्रभक्त सबसे ज्यादा अगर कोई है, सच बता, तो राष्ट्रभक्त वही है जो भागीदारी की बात करता, वही राष्ट्रभक्त हो सकता है। इस देश के ऊपर तुर्क, मंगोल, उज्बेकिस्तान, इराक, ईरान, इंग्लैंड, पुर्तगाल सबने राज किया। क्यों राज किया? हम जातियों में बटे हुए थे और एक ही जाति के पास सारा माल हो और सारी ताकत हो तो बाकी जाति क्या एक होंगे? एक होकर के क्या दुश्मन को रोकेंगे? 1947 के बाद ही इस देश को कोई गुलाम बनाने के लिए सोच भी नहीं सकता, वरना यह देश 2000 वर्ष तक गुलाम रहा। अलेक्जेंडर के हमले के बाद से लेकर 1947 तक किसी न किसी का गुलाम रहा। जातियों में बंटने को, जैसे जातियों में तो हमने बांटा नहीं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बांटा, लेकिन जातियों को बांट कर को उनको यह कहा कि तुम्हारा पैसा इतना ही है। एक उदाहरण देते हुए मैं बात को कहूंगा, क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव जब कलकत्ता के ऊपर हमला किया और जहाज से जब उतरा अपने सैनिकों के साथ और कलकत्ता की ओर चलने लगा, खेतों से खलिहानों से हजारों लाखों लोग खड़े होकर देखने लगे, तो क्लाइव की सेना बड़ी डर गई। कहा कि उन्होंने कहा, क्लाइव को तुम मरवाने लगे, हम 2,500 हैं, ये तो लाखों लोग सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं रास्ते में, लेकिन एक ढेला भी नहीं मारा गया। इसलिए धोबी को कह दिया, भाई तेरा काम है कपड़ा धोना, चमार को कह दिया तेरा काम है चमड़ा छीलना, खटिक पासी को कह दिया सुअर चराओ सब्जी बेचो, चिकवा को कह दिया, कुरेशी को कह दिया तुम अपना काटो, यादव को कह दिया तुम अपना खेती करो भैंस पालो, कुर्मी को कह दिया तुम अपना फल जोतो, तो लड़ेगा कौन भाई, रोकेगा कौन भाई? राजा राजे की लड़ाई से कोई जीत हार नहीं सकता जब तक कि जनता न साथ दे। जनता से कोई मतलब होता नहीं था, राजा अपने आप ही लड़ते रहते थे, हारते रहते थे। जनता को तो जातियों में बांट दिया गया, तो कह दिया गया था तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम्हारा पैसा अलग कर दिया गया। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है इतने दिनों तक गुलाम रहा हो, 1.5 लाख से ज्यादा अंग्रेज कभी नहीं थे इस देश में, 10 लाख 11 लाख लोगों को भर्ती करके प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध लड़वाया। ये भारत के लोग किराए पर सैनिक बन जाते, अरे 1.5 लाख तो थे तो फिर कैसे हम गुलाम थे? हम 1.5 लाख थे तो गुलाम कैसे हो गए? 40-45 करोड़ जनता के ऊपर 1.5 लाख तो शासन कर गए, इसलिए कि हमें जातियों में बांटा गया, हमें अधिकार से वंचित किया गया। अगर हम सबको शासन प्रशासन में जिम्मेदारी दी गई होती
उसमें यादव भी होता, कुर्मी भी होता, खटिक भी होता, गड़रिया भी होता, प्राची भी होता, तब मजाल था कि अंग्रेज आ जाते बोल जा जाते। 1947 के बाद गड़रिया का भी बेटा है, चमार का भी बेटा है, और कहीं ना कहीं कुम्हार का बेटा है, और ब्राह्मण क्षत्रिय तो है ही, शासन प्रशासन तो अब ये सब का शासन प्रशासन हो गया। इसलिए देश को अब गुलाम नहीं बनाया जा सकता, पहले बना दिया गया। अब आप बताइए हमसे ज्यादा बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? आपसे ज्यादा कोई बड़ा देशभक्त हो सकता है? और जब तक भागीदारी का सवाल इस देश में रहेगा तब तक देश कमजोर रहेगा। और भागीदारी देकर के सबको संतुष्ट करो, सबको न्याय मिलना चाहिए। हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, सबसे बड़े देशभक्त। शासन प्रशासन में अगर हमारी भागीदारी होती तो अंग्रेज हमें गुलाम बना लेते क्या? पूरा समाज ही खड़ा हो जाता। तो हम जब सबके भागीदारी की हम मांग कर रहे हैं, एक अखंड भारत की बात हम कर रहे हैं, सच्चा देशभक्ति की बात कर रहे हैं। एक देशभक्ति शब्दों में कही जाती है, एक देशभक्ति जमीन पर सच्चाई है। ये सच्चाई की जमीन, ये सच्चाई की देशभक्ति जो मैं कह रहा हूं। अब इस देश को कोई गुलाम बना दे तो देश हित में हम आप कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना आरक्षण, अरे जब आरक्षण नहीं था तब देश गुलाम था, जब से आरक्षण हुआ कोई गुलाम बना नहीं सकता। यह मुझे यह पृष्ठभूमि रही है, मैं यही कहूंगा कि संगठन का बातूनी संगठन में बनाया जाए। यहाँ भाषण तो होंगे, विचार तो होंगे, लेकिन विचार भाषण होंगे आगे की लड़ाई तेज करने के लिए, पूरे देश में फौरन इसको फैलाने के लिए और करोड़ों लोगों को जमा करने के लिए अपने अधिकार। जितने लोग हैं अपने संगठन का नाम रजिस्टर जरूर कर दे, दो दो चार संगठनों का और नाम दे दे। हमारे पास 10-20 हजार संगठन आ जाए, एक बड़ी ताकतवर लड़ाई लड़ी जा सकती। भाई देखिए एक बात है, राजनीतिक ताकत तो, राजनीतिक सत्ता तो आपको नहीं मिलेगा, ये नालायक समाज, मैं दलित समाज से भी कहता हूं। और मराठा और जाट एक हो रहे, वो सामाजिक आंदोलन राजनीतिक नहीं। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो, किसी राजनीतिक आदमी के ऊपर भरोसा रख करके आप अपने अधिकार को नहीं बचा सकते, पूरे समाज को तैयार करना। क्या वो जाट आंदोलन का अगुवाई कोई नेता करता? ऐसा क्यों नहीं यादव समाज निकल करके आता सर? ऐसा गुजर क्यों नहीं निकल करके? वो पटेल जो हार्दिक पटेल के नेतृत्व में लाखों लोग आ जाते हैं, ऐसे प्रजापति गढ़िया समाज को नहीं उतर के आता? हम वही चेतना भर, वही चेतना पैदा करना चाहते हैं कि समाज की भी एक ताकत होती है, समाज भी लड़ाई लड़ सकता है। ये जरूरी नहीं कि संसद में ही आवाज उठे तो बात उठे। अब और आप जाट भाइयों का संसद में कोई आवाज नहीं, पटेलों का संसद में कोई आवाज नहीं, उनकी बात में मांग ली गई और संसद में हम लोग चिल्ला रहे हैं हमारी बात नहीं मानी। और अब तो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल राजनीतिक ताकत का बंटवारा हो गया, आधा ताकत तो सुप्रीम कोर्ट ले लिया, जो काम पार्लियामेंट को बंद करने में 6 महीने लगेंगे वो तो ये 2 जज बैठ करके जजमेंट लिख दिया पूरे देश में। ये दुर्भाग्य है, संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। और मीडिया ने ताकत ले रखा, मीडिया जो एजेंडा तय कर, और इस देश को पूंजीपति
पूंजीपतियों के हिसाब से चयन चलते हैं। तो राजनीतिक ताकत पर एक समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि एक कुंजी है जिससे सारे ताले खुल जाते, लेकिन अब कई चार कुंजियां हैं। कभी मीडिया में ताला खोलती है, कभी सुप्रीम कोर्ट ताला खोल देता है, कभी हाई कोर्ट, कभी संसद ताला खोल देती है, कभी कॉर्पोरेट हाउसिंग ताला। ये सच्चाई बहुत बदलाव है। तो ये सामाजिक आंदोलन का उदाहरण इसलिए मैंने दिया कि उन्होंने जीत लड़े और जीते। जाट आंदोलन में कोई नेता नहीं आया था, नेताओं का तो बहिष्कार किया उन्होंने। तो आप सामाजिक, आपका समाज धरती पर उतर, जब हम आह्वान कर ये तैयारी है हमारी। इसलिए एक नए आंदोलन की शुरुआत डीओम बना करके किया जा रहा है। ये पहला कॉन्फ्रेंस है, ये टेलीफोन पर एक कॉन्फ्रेंस करी हुई, पर्चा भी नहीं है हमारे पास। अब इसको धीरे धीरे तुरंत फैला दिया जाएगा। कोई लखनऊ में कराने की जिम्मेदारी है, कोई जिला सम्मेलन यहाँ दिल्ली में करे, कोई बिहार में हमारे भगत जी हैं बिहार का जिम्मेदारी ले ले, कोई राजस्थान में करे। ये DOOM को फैलाना है बड़ी तेजी से पूरे देश के लिए। तो वक्त लोग बहुत हैं, सोच में अपनी बात व्यवहारिक बात करें। सदस्यता का इसमें व्यक्तिगत सदस्यता का भी स्कोप है और संगठन के अफिलिएशन का भी, जो व्यवस्था हमारी। अब इसका सब तय किया जाएगा, बैठ के आप ही लोग मजमून तय करेंगे। और जो ये मंच बैठा है आगे, जो सक्रिय है, जो इसमें प्रदेश के कमेटी में जो आकर के काम करना चाहते हैं, जिला कमेटी में इसका गठन एक दो दिन में होगा, आज भी कुछ तय कर लिया जाएगा। तो ये कॉन्फ्रेंस एक मकसद से है, व्यवहार से है, और केवल यहाँ भाषण से नहीं। भाषण तो हमें लोग दे ही लेते हैं, वो तो घर में भी विचार चार बैठ करके विचार ले सकते हैं, जो घर में कर सकते हैं यहाँ कर सकते हैं। तो क्या फायदा है, यहाँ है एक दिशा है। अभी तो हमने इतना ही लिया है, इसका स्कोप बढ़ेगा। अभी आरक्षण है, भागीदारी है, इसका स्कोप आगे बढ़ेगा। और तो पूरा कमेटी तय करे, हमारे हुसैन जी हैं वो तय करेंगे, हाफिज जी हैं सारे लोग करेंगे, भगत जी हैं, हमारे प्रोफेसर अरविंद आलोक जी, तो सब मिलकर के इसको किया जाएगा। एक बहुत पावरफुल आंदोलन शुरू किया जा सकता है। जब फोन पर इतने लोग आ गए और सब नेता ही नेता हैं, इनके पीछे तो 25,000 का ताकत तो हमारे पास अभी आ गई, क्योंकि एक एक लोग हैं, 200-300-400 लोगों को प्रभावित करने वाले। तो मैं अब मंच प्रभु परमिंदर जी को देता हूं, और जो अपने अगली पंक्ति में जो अपने विचार देना चाहते हैं इसी पृष्ठभूमि में विचार दें। और ये कार्यक्रम, मैंने पहले कहा कि ये कार्यक्रम एक्शन का, भाषण का नहीं, ये समय प्रहार का है, कोई संशय का नहीं। यह जो लड़ाई का है, कोई भाषण का नहीं, साफ साफ है। तो परमेंद्र जी को माइक देता हूँ संचालन।